सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट वन। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो पहले हम देख लेते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर, मतलब कि मुझे एक लाइन सेगमेंट बनानी है जो 7.6 की हो। तो हम पहले रफ डायग्राम बना लेंगे। ये मेरा 7.6 का लाइन सेगमेंट होगा। एंड डिवाइड इट इन टू द रेशियो 5m8। अब उसको मुझे डिवाइड करना है, मतलब ये लाइन को मुझे 5m8 के फॉर्म में डिवाइड करना है, बराबर है। मेजर द टू पार्ट। अब मेजर द टू पार्ट ये तो बहुत जरूरी है नहीं, एग्जाम में यहाँ तक क्वेश्चन आता है, लेकिन देख लेते हैं क्या क्या हमें दिया है और इस लाइन को हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम सिंपली क्या लेंगे, हम पहले 7.6 की एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। सो ये हमारा है 7, ये 5 और ये 7.6, ठीक है। अब इसको हम नाम दे देते हैं बी सी। चलिए अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम सिंपल, तो इस तरफ से हम एक एक्यूट एंगल बना लेंगे रैंडम कोई भी मेजरमेंट का। एक्यूट एंगल मतलब के लेस देन 90 डिग्री होता है। ये हमने एक्यूट बना लिया। अब यहाँ पे जिस टाइप का एंगल है उसी का पैरेलल यहाँ पे हम बनाने वाले हैं। तो हमने पैरेलल किस तरीके से बनाना है वो सीख लिया इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर, अगर नहीं देखा है तो वो जाके आप देख सकते हैं। तो पैरेलल बनाने के लिए सिंपली पहले तो हम छोटी सी इस तरफ आर्क लेंगे जो हम सेमी सर्कल वाली आर्क बोलते, और मुझे इस तरफ चाहिए तो मैं यहाँ पे मैं सेमी सर्कल वाली वो आर्क बना लेता हूँ। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मेज़र कर लेंगे। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, वो यहाँ से हम लेके कट करेंगे, ठीक है। ये हमें यहाँ पे कट मिल गया है। अब दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को हम जॉइन करेंगे। नाउ पैरेलल लाइन आर रेडी। अब क्या कर सकते हैं हम, सिंपली अपनी मर्जी से छोटा सा ये माउथ को ओपन करेंगे। यहाँ पे हमें कौन सा रेशियो दिया है, 5m8 का दिया है, मतलब पहला रेशियो 5 का दिया है। तो इस लाइन के अंदर 5 आर्क बनाएंगे। मेजरमेंट को चेंज किए बिना ही हमें 8 वाली आर्क इस तरफ बनानी है, क्योंकि 5m8 है। ऊपर की ओर मैंने 5 बना लिया और नीचे की ओर मैं 8 बनाऊंगा विद द सेम मेजरमेंट। ये रेशियो के अंदर डिवाइड करना है तो सिंपली हम C5 एंड C8 को हम ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि हमें 5m8 चाहिए। सिंपली ये दो तो सेकेंड वन के अंदर हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपली कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। मुझे एक ट्राइंगल बनाना है जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, एंड देन अ ट्राइंगल सिमिलर टू इट, उसी के जैसा ही एक ट्राइंगल हुज साइड्स आर 2/3, जिसकी साइड 2/3 है, मतलब उससे छोटा ट्राइंगल होगा। 2/3 मतलब क्या हुआ, छोटा ट्राइंगल हुआ। ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, मतलब के पहले ट्राइंगल की हर एक साइड को कंपेयर करें तो दूसरा जो ट्राइंगल बनेगा वो 2/3 जितना छोटा बनेगा सिंपली। तो पहले तो हम रफ डायग्राम तैयार कर लेंगे। सो मुझे ट्राइंगल बनाना है इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लिया। अब ट्राइंगल के अंदर हमें यहाँ पे बोला नहीं है कि कौन सी साइड, कौन सा बेस या कौन सी जगह पे कौन सा मेजरमेंट लेना है, तो हम रेंडमली कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बेस मेरा 6 सेंटीमीटर का ले रहा हूँ। आप कुछ भी ले सकते हो, आप 4 का भी ले सकते हो, 5 का भी ले सकते हो, क्लियर है। तो ये मैंने ले लिया, मुझे एक ट्राइंगल बनाना है। तो पहले हम इतना काम करते हैं कि पहले हम इजीली ट्राइंगल बना लेते हैं।
अब ट्राइंगल बनाने के लिए हमने यहाँ पे डिसाइड क्या किया हुआ है, रफ डायग्राम को हम यहाँ पे रखते हुए इसे सोल्व करेंगे। तो पहला तो अकॉर्डिंग टू अवर रफ डायग्राम हम ये चीज बनाएंगे। हमारा बेस 6 का दिया हुआ है, सो 6 सेंटीमीटर का हम यहाँ से बेस बना लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट मुझे ये 4 सेंटीमीटर का दिया है, तो हम इस तरीके से नहीं बना सकते कि डायरेक्टली 4 बना दिया, यहाँ से 5 बना दिया, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट हमें मिलेगा नहीं कि दोनों किस जगह पे अभी मिलने वाले हैं। तो इसलिए मुझे इस तरफ 4 का बनाना है, तो मैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का राउंडर को माउथ खोलवाऊंगा और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं बी सी। तो यहाँ पे भी हम बी सी एन ए नाम दे देते हैं। सो बी से मुझे 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, तो ये मेरा बी वाला पॉइंट और यहाँ से मैं 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लेता हूँ। सेम तरीके से यहाँ पे मुझे सी से 5 सेंटीमीटर का लेना है, सो ये मैंने 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके यहाँ से मैंने ये कट ले लिया। दोनों जहाँ पे मीट हुए हैं उन दोनों लाइन को मैं ज्वाइन कर दूंगा और यहाँ पे हम नाम ए दे देंगे। सो ये हमारे ज्वाइंट हो गए। हम ये पॉइंट को मीट कर रहे हैं, ना कि आर्क को। आर्क को हम ज्वाइंट नहीं कर रहे, ये दो आर्क जहाँ पे ज्वाइंट हुए वो मुझे पॉइंट ए मिला है। हम उस पॉइंट पे जाके ये ट्राइंगल को छू रहे हैं, ना कि आर्क को, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब मुझे नेक्स्ट थिंग क्या दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, देखें 2/3 बनाना है। 2/3 जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है उससे 2/3 जितना छोटा बनेगा दूसरा ट्राइंगल। तो उसे कैसे बनाएंगे, तो सिंपली सेम स्टेप फॉलो करेंगे जो पिछले वाले फर्स्ट सम्स में किया था। पहले हम एक्यूट एंगल यहाँ से बना लेंगे विदाउट एनी मेजरमेंट। एक्यूट एंगल हमें पता है क्या होता है, जो लेस देन 90 डिग्री होता है। नाउ अब मुझे यहाँ पर देखिए मैक्सिमम लिख क्या दिया हुआ है, 3। ऊपर या नीचे न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में जो भी नंबर मैक्सिमम हो उतनी यहाँ पे आर्क लेनी है कोई भी मेजरमेंट के साथ। तो ये हम नॉर्मल एक मेजरमेंट ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा रखेंगे क्योंकि 3 ही आर्क मुझे मैक्सिमम लेनी है, तो हमें अच्छे से क्लियरली दिखेगा ये। पहले एक शॉर्टकट बताते हैं, BC डैश अपॉन BC, ये चीज़ ध्यान रखनी है, BC डैश अपॉन BC। अब देखिए यहाँ पे 3 वाला है वो किसके सामने, C के सामने, तो मेरा C इधर है ऑलरेडी और यहाँ पे 3 है, तो ये 3 और C को मैं जॉइंट कर दूंगा। सो 3 और C मेरा जॉइंट हो गया। अब ये 2 है वो किसके सामने, सी डेस के सामने, लेकिन सी डेस तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो अब क्या करूँगा, 2 मुझे दिख रहा है तो 2 से एक पैरेलल लाइन बनाऊंगा जो यहाँ कहीं पे जाके वो टच करेगी और वो मेरा पॉइंट बन जाएगा सी डेस। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से करना है। सिंपली पैरेलल लाइन बनाने का तरीका सेम ही रहने वाला है। सो ये दो लाइन के बीच में मैंने एक एंगल बना लिया है विद द यूज ऑफ दिस राउंडर और B2 से, मुझे B2 से नई लाइन बनानी है तो B2 से मैं सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगा। अब B3 से जो मैंने ये आर्क बनाया था उन दो आर्क लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करके सिंपली ये B2 वाली लाइन से मैंने जो किया है उस पर मैं कट दे दूंगा। ये मैंने कट दे दिया। अब सिंपली मैं B2 और ये आर्क मेरा है उन दोनों को मैं ज्वाइन करूंगा। अब देखते हो क्या होता है। वेरी गुड। सो ये जाके BC पे जाके जॉइंट हुआ है और BC पे जाके जॉइंट हुआ, तो वहाँ पे मैं नाम क्या दूंगा, ये सी डेस नाम दे देता हूँ। तो ये मुझे सी डेस मिल गया है, लेकिन अभी भी मेरा ट्राइंगल तैयार नहीं हुआ है। तो ये वाला जो लाइन है ट्राइंगल बनाने के लिए, ये वाली जो लाइन है उसी की पैरेलल लाइन में सी डेस से अब बनाऊंगा। तो सिंपली सो अवर गिवन ट्राइंगल, ये जो मुझे ट्राइंगल मिल रहा है दिस पार्ट, दिस इज द 2/3 ऑफ माय ओरिजिनल ट्राइंगल। तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे खत्म होता है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप अपने हाथ से भी लिख सकते हैं।
सिंपली जो आपने किया है वही चीज को आपको फॉलो करना है। चलिए थर्ड वन।